अबे भाई, ये शालुम क्यों फोन कर रहा है इस वक्त? चल दो, देखते हैं क्या मसला है। हेलो। हाँ शालिम, कैसा है? ठीक यार, तू सुना, कहाँ गए भाई? भाई तेरी वीडियोस का कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, इतना इनकंसिस्टेंट क्यों हो गया यार तू? अबे यार, पता है क्या मसला क्या है कि मैं अभी स्कूल खुल गया हमारे, ठीक है, और उसके बाद माइंड सारा उसी तरफ है, ध्यान उस तरफ है, टेस्ट वगैरह सब हो रहे हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता, और टाइम मैनेजमेंट में तो मैं बेकार हूँ। सही है, तो यही मसला है यार सारा। अच्छा यार, एक बात तो बता, ये जो तू अपना यूट्यूब पे व्लॉगिंग करता है, ये मतलब कैसे करता है तू? इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, थोड़ा बताएगा यार मुझे तू? यार तूने तो यार शालू आइडिया दे दिया मुझे, मैं पहले ही ढूंढ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। थैंक्स यार, तूने आइडिया दे दिया। अच्छा चल यार, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ, ठीक है, चल सही है, ओके भाई। भाई ये वाली वीडियो मेरी दूसरी वाली वीडियो से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने भी सीखी, मैं चाहता हूँ आप लोग भी सीखें। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ आई मेक माय वीडियोस एंड हाउ यू कैन टू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज माय मेन कैमरा विच इज निकॉन D3300 या 3300, और उसके साथ मेरे पास है एक्सटर्नल माइक विच इज़ अ मस्ट हैव फॉर DSLR कैमराज, क्योंकि उनका जो ऑन बोर्ड माइक्रोफोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया होता है, तो यू शुड कंसिडर बाइंग वन। अगर नहीं लेना तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है आपको एक सजेशन देना। उसके साथ है मेरे पास एक ट्रैपॉड विच इज़ या गोरिल्ला पॉड या स्टैंड, जो भी बोले। ये सब चीज़ें मैंने आपको अपने लास्ट एक कैमरा गेयर वाली वीडियो थी उसमें मैंने सब चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है, एक एक चीज़, तो मैं ज़्यादा इस पर लंबी नहीं करूँगा। लेट्स गेट टू दी एडिटिंग सॉफ्टवेयर विच आई यूज़ विच इज़ Filmora 9 एक बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इट हेल्प मी इन क्रिएटिंग एनी थिंग आई वॉन्टेड टू। जब से मैंने ये अपना चैनल बनाया तब से मैं Filmora 9 यूज़ कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी तक मेरे को इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो भाई देखो, मेरे पास एक कैमरा, एक माइक और एक ट्राइपॉड। अब हम इसमें से अगर ट्राइपॉड को हटा दें, फिर माइक को भी हटा दें, और फिर कैमरे को भी हटा दें, तो भाई वी आर लेफ्ट विद नथिंग, विच इज़ एक्चुअली वॉट यू नीड टू मेक समथिंग गुड। नथिंग नहीं, नथिंग एक्स्ट्रा। तो जो कुछ आपके पास है उससे स्टार्ट करना शुरू कर दें। एक और बात कि इफ़ यू हैव अ फोन विद अ गुड कैमरा, सो स्टार्ट यूजिंग इट। द ऑडियो क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, द वीडियो क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, ये आप क्वालिटी जज कर सकते हैं। सही है भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने आप पे फोकस करें, अपने कंटेंट पे फोकस करें, एंड दीज थिंग्स लाइक गियर विल इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप। जल्दी करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि भाई देखो, जो लंबी छलांग मारते हैं ना वो मुंह के बल गिरते हैं। स्टार्ट शूटिंग, एडिटिंग, व्लॉगिंग, मेकिंग कॉन्टेंट, वट एवर यू लाइक, स्टार्ट कर दें। जिस किस्म का, ज़रूरी नहीं है आप व्लॉग बनाना चाह रहे हैं, आप मेकअप ट्यूटोरियल बना रहे हैं, खाने का बना रहे हैं, कार्स के रिलेटेड, बाइक्स के रिलेटेड, मूवीज़, ड्रामा, स्किट्स, जो आपका दिल करता है आप वो बनाएं। मेक समथिंग विच इज़ वॉचेबल एंड गुड, ये नहीं कि आप रिएक्शन वीडियोज़ बना रहे हैं। तो भाई सवाल ये फिर आएगा कि हाउ डू यू मेक योर वीडियो इंटरेस्टिंग, या आप अपने कंटेंट को, जो आप वीडियो बना रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? तो यार एक सीधी सिंपल सी एग्जांपल है कि इफ़ यू आर वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड यू आर सेइंग दैट आई एम गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो वो चीज़ हो जाएगी बेकार। जैसे कि ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख लें। तो भाई ये मेरी छत है और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ अपने कमरे में, और चलें नीचे कमरे में। तो फिर अगर यार ऐसा होना तो देन एस्टेब्लिशिंग शॉट्स कम इन टू प्ले, जैसे कि ये अभी मैं छत पर हूँ और अभी मैंने छत से अपने कमरे में नीचे जाना है, तो आ जाओ। ये होता है एस्टैब्लिशिंग शॉट, आप अपनी मर्जी से क्रिएटिव होकर इसे शूट करें और जैसा आपका दिल करे वैसे करें। ये मेरी एक एग्जांपल थी। तो भाई फिर बात ये आ जाएगी कि हाउ टू बी यूनिक एंड स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग एज यू आर डूइंग। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि एड टेक्स्ट, कलर ग्रेड, जूम इन, जूम आउट, बी क्रिएटिव विद इट, जो आपका दिल चाहता है वो करें। सही है,
और मुझे बताएं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, पीस।